आप लोगों ने वैसे सैंडी राज्य का दर्जा सुना होगा, और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि आंध्र प्रदेश हो या फिर आपका उड़ीसा हो या फिर आप देखिए बिहार हो, ये लंबे समय से ये मांग करते रहे कि उन्हें विशेष राज्य की श्रेणी में रखा जाए। अब आप लोग कहेंगे कि इस समय चर्चा में क्यों है, तो आपको बता दूं कि जो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इन्होंने 2007 से मांग कर रहे हैं कि इन्हें विशेष राज्य की श्रेणी में रखा जाए बिहार राज्य को। अभी फिर से इन्होंने अपनी मांग को दोहरा दिया है, आप समझ रहे हैं। एक बार पहले बिहार को आप लोग देखिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए हमारा प्यारा भारत का नक्शा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप देखेंगे ये बिहार आपको देखने को मिलेगा। और बिहार में अगर बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए इसकी राजधानी पटना है, और इसकी अगर राज्य बनाने की बात हो तो 26 जनवरी 1950 को इसे राज्य बनाया गया था। और यहाँ के अगर आप लोग चीफ मिनिस्टर की बात करें, मुख्यमंत्री की, तो नीतीश कुमार हैं। और मुझे लगता है कि राजनीतिक खिलाड़ी अगर आपको किसी को कहना है तो नीतीश कुमार को कहिए। आप सोचिए कि तीन चार बार से मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं, उनकी पार्टी को बहुमत भी नहीं मिलता है, सबसे छोटी थर्ड नंबर की पार्टी रहती है, फिर भी आप देखिए कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिल जाता है। तो आप चतुर कह सकते हैं, खिलाड़ी कह सकते हैं। और यहाँ अगर हम लोग विधानसभा में सीटों की बात करें तो 243 सीटें आपको देखने को मिलेंगी, 243। और विधान परिषद भी यार, तो विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ 16 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 40 सीटें देखने को मिल जाएंगी। देखिए बिहार यहाँ देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, झारखंड से भी लगती है, पश्चिम बंगाल से भी लगती है, और इसकी अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो नेपाल से लगती है, ये आप लोग जरूर याद रख सकते हैं। अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने क्या किया हुआ है, नीतीश कुमार ने इसके फायदे भी रहते हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो नीतीश कुमार ने बिहार के लिए विशेष श्रेणी स्पेशल कैटेगरी स्टेट यानी कि SC-S का दर्जा देने दिए जाने की अपनी करीब 15 साल पुरानी मांग एक बार फिर से उठा दी है। और आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके कई बार पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में, लिखित परीक्षा में तक क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप समझ रहे हैं, सिविल सर्विस हो, स्टेट PCS हो, बिहार के लिए तो और स्पेशल हो जाएगा ये टॉपिक। और नीतीश कुमार 2007 से बिहार के लिए विशेष श्रेणी राज्य की मांग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। अगर हम लोग बिहार की तुलना अन्य राज्यों के विकास से करें तो आप सभी वैसे तो जानते होंगे कि बिहार बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है। नीति आयोग ने अभी हाल ही में एक देखा होगा कि आप लोगों ने रिपोर्ट जारी की हुई है, विकास दर और मानव विकास सूचकांक के मामलों में बिहार को सबसे निचले राज्यों की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि बहुत बुरी स्थिति बताई गई है इसमें। और नीति आयोग को आप लोग जानते होंगे जो आपका योजना आयोग को पीति स्थापित करके आया हुआ था। बिहार की वार्षिक अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें यानी कि इनकम की बात करें कि हर व्यक्ति साल में कितना कमा लेता है, तो ये बताया गया है 50,735 रुपये, और जो कि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय आंकड़े अर्थात 1,34,432 रुपये से काफी कम है। इसे बहुत ही साधारण शब्दों में समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए आप हैं, मतलब आपके घर में कोई मेंबर है, उस व्यक्ति की बात की जा रही है कि वो व्यक्ति साल में कितने रुपये कमा लेता है, तो बिहार राज्य में अगर आप देखें तो 50,735 रुपये कमा पाता है वो साल भर में, आप समझ रहे हैं, साल भर में। और याद रखिए औसत निकाली जाती है, कई व्यक्ति आप लोगों को देखने को मिलेंगे बेरोजगार रहते हैं, उनके पास कोई इनकम का स्रोत नहीं रहता है, तो उनकी स्थिति आप समझ सकते हैं। और अगर हम लोग इसे राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो 1,34,432 रुपये हर व्यक्ति एवरेज से एक तरह से कमा लेता है। और आप सभी लोग बेहतर जानते हैं कि हमारे देश में एक तरह से आय का जो आप बीच खाई देखते हैं ना, वो बहुत लंबी चौड़ी है। किसी के पास पैसा है तो आपने देखा होगा बहुत सारा पैसा है, और किसी के पास पैसा नहीं है तो उसके यहाँ दो वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल हो जाती है। और रिपोर्ट के अनुसार राज्यों की 91% आबादी देश में सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे रहती है, ठीक है। और राज्य की यानी कि बिहार की बात हो रही है तो ये आप लोग जरूर याद रख सकते हैं। स्कूल छोड़ने बच्चों के कुपोषण, मातृ स्वास्थ्य और शिशु मृत्यु दर के मामले में भी बिहार का प्रदर्शन काफी खराब है। गरीबी में देख लीजिए आप लोग, शिक्षा के मामले में देख लीजिए, सभी में आप देखें बिहार नीचे से टॉप कर रहा होता है। यानी कि मान लीजिए कि देखिए हमारे देश में 28 राज्य हैं, ठीक है, 28 राज्यों की अगर आप देखिए कि सूची बनाई जाए, या फिर आप लोग मान लीजिए कि आपकी क्लास में 28 बच्चे हैं और आपका नंबर 28वां आता है, तो आप बताइए आपकी स्थिति स्कूल में या क्लास में अच्छी है या बुरी है, स्वाभाविक सी बात है कि बुरी है। तो वही बिहार के मामले में देखा जा रहा है।
अब देखिए, विशिष्ट राज्य की श्रेणी की बात करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसका नाम काफी चर्चा में बना रहता है। कुछ फायदा तो होगा इसका विशेष राज्य की श्रेणी में जाने का। तभी तो आप देखिए, सरकारें या राज्य के जो भी मुख्यमंत्री रहते हैं, राज्य रहते हैं, वो इसकी मांग करते रहते हैं। तो विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा उन राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र द्वारा दिया गया वर्गीकरण है जो भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं। और यह वर्गीकरण 1969 में पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। कब? 1969 में पहली बार। एक गाडगिल फॉर्मूले के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इस पर आधारित था, जिसमें विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे के लिए निम्नलिखित पैरामीटर निर्धारित होने चाहिए। इसमें पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए उस राज्य को, कम जनसंख्या घनत्व और या फिर जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हो उस राज्य में, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की सामरिक स्थिति हो, यानी कि पड़ोसी देशों से उसकी सीमा लगती हो, और एक कहता है कि आर्थिक और बुनियादी अवसंरचना का पिछड़ापन हो उस राज्य में, वो पिछड़ा हो, और राज्य वित्त की अव्यवहार प्रकृति, ये पांच बातों का ध्यान रखा जाता था। यहाँ एक बात और उल्लेख हुआ है गाडगिल फॉर्मूले के बारे में और आपकी वित्त आयोग के बारे में। तो आप सभी को बता दूंगी, एक सामाजिक समाज विज्ञानी हुआ करते थे धनंजय रामचंद गाडगिल, और इन्हीं ने, आप देखिए, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी, इन्हीं ने एक तरह से इसे बनाने की बात की हुई थी। उन्हीं के एक तरह से आप देखिए राज्यों की जो केंद्रीय सहायता होती उसे निर्धारित करने के लिए इन्होंने कुछ पॉइंट दिए हुए थे, और इसीलिए आप देखते हैं कि चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी इसे गाडगिल योजना के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। और वित्त आयोग की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि आर्टिकल 280 यानी कि अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। और वित्त आयोग की बात करें तो पहली बार ये 22 नवंबर 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। और पहले अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करें, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष थे पहले केसी नियोगी। 1952 से लेकर 1957 तक ये वित्त आयोग लागू रहा था, 5 साल के लिए रहता है, तो आप समझ सकते हैं। और विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा पहली बार 1969 में जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड को दिया गया था। पहली बार कितने राज्यों को? 3 राज्यों को। इसमें आप देखिए जम्मू कश्मीर होगा आपका, और ये आपका जम्मू कश्मीर आप लोग देखेंगे ऊपर, जम्मू कश्मीर और असम, ये असम और नागालैंड, ठीक है, इन्हें दिया गया था। उसके बाद आप देखेंगे तो इसमें आगे चल के क्या होता है, आगे चल के इसमें आगे चल के ये होता है, जम्मू कश्मीर को एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। देखिए ये जम्मू कश्मीर आपका, ठीक है, ये पूरा हिस्सा जम्मू कश्मीर हुआ करता था। आप सभी ने देखा है कि 2019 में इसे अलग कर दिया गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में आपकी विधानसभा नहीं होगी, केंद्र शासित प्रदेश हैं दोनों, लेकिन दिल्ली की तर्ज पर श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर में आपकी विधानसभा होगी, ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रख सकते हैं। और इसमें आगे चल के अगर बात करें हम लोग कौन कौन से राज्यों को शामिल किया गया, तब से लेकर अब तक 8 अन्य राज्यों, जिसमें अरुणाचल प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, सिक्किम हो, त्रिपुरा हो, उत्तराखंड हो, यह दर्जा दिया गया है। तो कुल मिलाकर अभी तक 11 राज्यों को विशेष राज्य की जो श्रेणी है इसमें शामिल किया गया है। और अगर पहली बार आपसे पूछे तो 1969 में 3 राज्यों को शामिल किया गया था, जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को, ठीक है। और संविधान में किसी राज्य को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है। हो सकता है कि सिविल सर्विस में आपसे क्वेश्चंस पूछ ले, प्रीलिम्स में आ सकता है कि विशेष राज्य के बारे में आप लोगों को नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा सही है। तो आप लोगों से कहे कि संविधान में विशेष राज्य की बात की गई है, तो याद रखिए इस तरह का कोई प्रावधान हमारे संविधान में आपको देखने को नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पूर्व में योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा उन राज्यों को प्रदान किया गया जिन्हें विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी, यानी कि वो पिछड़े हुए थे, ठीक है। और अब ऐसे राज्यों को केंद्र द्वारा विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया जाता है। लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए क्या कि जो 14वां वित्त आयोग था, इसने पूर्वोत्तर और 3 पहाड़ी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त कर दिया है। यानी कहने का मतलब है कि अभी तक जितने भी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, ये ठीक है, अब आगे नहीं दिया जाएगा। आगे क्या होगा? नहीं दिया जाएगा। और 14वें वित्त आयोग के बारे में अगर बात करें तो ये 2015 से लेकर 2020 तक के लिए था, और इसके अध्यक्ष थे श्री YV रेड्डी साहब। और अभी आप समझते हैं कि 15वां वित्त आयोग चल रहा है, तो इसके अध्यक्ष हैं श्री NK
सिंह, एन के सिंह भी आप लोग कह देते हैं। और इसके बजाय इसने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य के संसाधन अंतर को कर हस्तांतरण के माध्यम से भरा जाए। केंद्र से कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने का आग्रह किया था, जिसे वर्ष 2015 से लागू किया गया था। और अगर हम लोग जो विशेष राज्य की श्रेणी की बात होती है, इसमें क्या फायदा मिलते हैं राज्यों को, तो केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक धन राशि के 90% हिस्से का भुगतान किया जाता है, और जबकि अन्य राज्यों के मामले में केंद्र सरकार केवल 60% या फिर 75% ही भुगतान करती है। कहने का सीधा सा मतलब समझिए, अगर केंद्र के द्वारा कोई योजना चलाई जा रही है तो उसमें खर्च करेगा 90%, यानी कि 100 रुपये वहां खर्च हो रहे हैं तो 90 रुपये कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। और अन्य राज्यों के मामले में 60 रुपये या फिर 75 रुपये तक ही उसमें खर्च करेगी। तो ये फायदा रहता है विशेष राज्य की श्रेणी में होने का। खर्च ना किया गया धन विगत नहीं होता है, उसे भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। और इन राज्यों को उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क या आयकर या फिर कॉरपोरेट कर में महत्वपूर्ण रियायतें प्रदान की जाती हैं, और भी इसके अलावा फायदे दिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये फायदे हैं, इसीलिए विशेष राज्य की श्रेणी की बात करती रहे। देखिए, अगर 100 रुपये किसी योजना में खर्च किए जा रहे हैं तो 90 रुपये तो ये माने जाते हैं केंद्र के द्वारा एक तरह से आपको दान दिया जा रहा है किसी राज्य को, अगर विशेष राज्य की श्रेणी में वो राज्य शामिल है। तो मान लीजिए, ठीक है, आप लोग उदाहरण के लिए असम को ले लीजिए। असम में अगर कोई योजना चलाई जा रही है केंद्र के द्वारा, तो उसमें क्या करेगा, केंद्र सरकार 90 रुपये देगी उस योजना को, और वो आपको लौटाने नहीं होंगे असम राज्य को। वही अगर वही योजना बिहार में चलाई जा रही है तो सरकार जो पैसा 90 रुपये देती थी उसे कम करके 60 या 75 रुपये ही देगी, समझ रहे हैं, यानी कि 10% ही अनुदान देती है बाकी राज्यों में, और जो आपके विशेष श्रेणी राज्य में शामिल होते हैं उन्हें 90% तक योगदान देती है सरकार। तो यही एक तरह से आप कह लीजिए इसी फायदे को उठाने के लिए, और भी कई फायदे रहते हैं। सरकारें जो भी आंध्र प्रदेश हो या फिर उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर आप देखिए बिहार हो, ये विशेष राज्य की श्रेणी की मांग करते रहते हैं। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी याद रखा करिएगा, और जब भी इस तरह का कोई टॉपिक चर्चा में रहता है तो उससे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है आपकी परीक्षाओं में। और वैसे भी अगर आप लोग राजनीति में थोड़ा बहुत दिलचस्पी रखते हैं और बिहार से हैं या किसी और राज्य से हैं, तो आप लोगों को मालूम भी होना चाहिए कि विशेष राज्य की श्रेणी के क्या फायदे हैं, आखिर किस लिए इतना चिल्लाते रहते हैं ये लोग। तो एंजॉय करिए आप लोग, हम लोग मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, मिलते रहेंगे हम लोग, कहाँ जाने वाले हैं।